दोस्तों आज बात करेंगे एक ऐसे आईपीओ के बारे में। तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पुराना बैंक आपको देखने को मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बैंक की क्या खास बातें हैं जिसका आईपीओ विद इन 5 डेज में आपको देखेगा ओपन हो जाएगा फॉर देखेगा इशू के लिए। अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से एक एक हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, और इस आईपीओ की सबसे अच्छी बातें खराब बातें सब कुछ डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि कहाँ पे आपको इसमें लिस्टिंग गेन मिल सकते हैं। क्योंकि बैंकों की समय काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है और ये पर्टिकुलर आईपीओ बैंक से रिलेटेड है, तो आपको सारी बातें पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हैं कि आईपीओ के बैक टू बैक वीडियो आते रहें तो इस वीडियो को 1000 लाइक देना मत भूलिएगा, और आप वीडियो के नीचे यस कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट आईपीओ का एक पर्टिकुलर वीडियो आएगा जो एक मोनोपोली आईपीओ होगा, उस पर वीडियो आ सकता है, तो आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ओल्डेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक। अगर आप देखेंगे ओल्डेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक तो आप समझ सकते हैं, और कब हुआ था 1921, तो आप समझ सकते हैं कि कितना पुराना, कम से कम 100 साल पुराना बैंक है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि अभी रिसेंटली आपने जितने भी बैंकों के आईपीओ देखे हैं विद इन 5 ईयर्स में, वो कम से कम 10 साल या 5 साल पुराने हैं अगर आप चेकआउट करेंगे। लेकिन यहां पे जो हम लोग बात करेंगे वो एक ऐसे बैंक की बात करेंगे जो 100 साल पुराना बैंक है। तो आप समझ लीजिए 100 साल से बिजनेस कर रहे हैं, तो आपने सोच लिया होगा कि कितने उतार चढ़ाव देखे होंगे, कितने डिकेड्स देखे होंगे। तो सबसे बड़ी यूनिकनेस इस पर्टिकुलर बैंक की यही है कि कितने ज्यादा उतार चढ़ाव इस बैंक ने देखे होंगे जितने किसी ने नहीं देखे हैं। तो आप समझ सकते हैं तकरीबन आरबीआई के देखेगा टाइम का बैंक है, ओल्डेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया, इट ऑफर्स एन एरे ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस। तो आप समझ सकते हैं रिटेल में वर्क करते हैं, माइक्रो में, मीडियम इंटरप्राइजेस में, एमएसएमई में वर्क करते हैं, और ये जो पीयर्स होंगे, जो कॉम्पिटिटर होंगे जो लिस्ट होने के बाद, वो बंधन बैंक के होंगे, क्योंकि सेम सेक्टर में बंधन बैंक भी वर्क करता है। एंड मोर टीएमबी हैज अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, यानी कि जो बैलेंस शीट होती है बैंकों की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो ऑफ एडवांसेस डिपॉजिट फ्रॉम द डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस इंक्लूडिंग रिटेल कस्टमर, एग्रीकल्चरल कस्टमर एंड एमएसएमई। तो सबसे यूनिक बात तो आपको समझ में आ गई है कि एक्सपीरियंस मैटर इन द बिजनेस। आपको पता है कि आपको अनुभव कितना है जो आप खरीद नहीं सकते, अनुभव कहते हैं ना, एक्सपीरियंस कभी भी आप खरीद नहीं सकते, वो आपको अर्न करना पड़ता है विद द टाइम। तो जो टाइम है वो 100 साल का बिता चुके हैं, ये सबसे बड़ी यूनिकनेस है इस पर्टिकुलर बैंक की। तो आप देख सकते हैं कि मार्च 31, 2022 द बैंक हैज अ स्ट्रॉन्ग ब्रांच नेटवर्क ऑफ 509 ब्रांचेस एंड टोटल कस्टमर बेस 5 मिलियन। तो आप समझ सकते हैं 5 मिलियन के कस्टमर है, ब्रांच एक्सपेंशन कर चुके हैं 509। टीएमबी हैज अ सिग्निफिकेंट मार्केट प्रेजेंस इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु में बहुत ही बड़ा प्रेजेंस है, और आपको पता है कि साउथ इंडिया में पर कैपिटल इनकम भी यहां पे नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में काफी बेटर है। तो आप समझ सकते हैं वहां पे इतने साल तक ये सर्वाइव क्यों कर चुके हैं, क्योंकि आपको पता है कि वहां पे थोड़ा सा पर कैपिटल इनकम जो है वो ठीक ठाक देखने को मिलती है। 369 ब्रांचेस एंड इट वॉज ऑल्सो प्रेजेंट इन 15 अदर स्टेट, यानी कि 15 अलग राज्यों में है, तमिलनाडु में मेन प्रेजेंस है, और 4 यूनियन टेरिटरी में भी इनका एक्सपेंशन आपको देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करिएगा। फिर बात करते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड, यही चीज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि 100 सालों का एक्सपीरियंस ही बहुत बड़ी बात है। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन तमिलनाडु एंड कंसिस्टेंट फोकस इन एक्सपैंड प्रेजेंट इन स्ट्रैटेजिक रीजन। तो आप समझ सकते हैं लगातार एक्सपेंशन मॉडल पे वर्क कर रहे हैं, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, चूंकि कभी रिटेल, कभी एग्रीकल्चर, कभी एमएसएमई डाइवर्सिफिकेशन करा है। कंसिस्टेंटली देखिएगा जो कस्टमर बेस है वो ग्रो हो रहा है, कासा भी क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। प्रूवन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड, तो ट्रैक रिकॉर्ड तो आप देख के बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको। और मैं आपको ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने इनकी बैलेंस शीट को जब चेक करा तो
तो काफी बेटर बैलेंस शीट आपको देखने में मिली है। मैं आपको दिखा देता हूं, मैं एसेट से शुरू करूंगा। तो अगर आप देखेंगे तीन साल पहले क्या स्थिति थी और तीन साल बाद क्या है, तो आप देखेंगे एसेट आपको देखने में मिली थी 42758 के आसपास, जो देखिएगा लास्ट ईयर बढ़ी 47527 और इस पर्टिकुलर ईयर में 52858। तो आप समझ सकते हैं इस तरीके का ग्रोइंग पर्टिकुलर टोटल एसेट है। फिर बात करते हैं रेवेन्यू मॉडल की, तो रेवेन्यू मॉडल भी देखिएगा 3992, फिर 4253, फिर 4656। तो आप समझ सकते हैं प्रूवन फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मगर, कंसिस्टेंट ग्रो कर रहे हैं और जो फोकस ग्रो है वो दिख रहा है बैलेंस शीट पे। अब बात करते हैं पैट की, तो पैट आप देख के शॉक हो जाओगे, डबल कर दिए पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डबल। ये देखिएगा 464 करोड़ से कितने हो चुके हैं 901 करोड़। तो आप समझ सकते हैं बिल्कुल सही समय है इनके आईपीओ लाने का, बिल्कुल सही समय है। तो अगर आप देखेंगे तो 901 जस्ट डबल, आप देखेंगे अगर विद इन टू ईयर में अगर आप डबल करे दे रहे हो और बीच में कंसिस्टेंटली देखिए कंसिस्टेंट ग्रो हो रहे हैं, ये नहीं हो रहा है कि अचानक से जंप आया है, लास्ट ईयर भी काफी अच्छा ग्रो करा है, उस ईयर भी पर्टिकुलर ग्रो करा है। तो आप समझ सकते हैं नेटवर्थ देखिएगा कितनी बढ़िया ग्रो हो रही है, ये देखिए नेटवर्थ ग्रोइंग मॉडल पूरी तरीके से। रिजर्व देखिएगा कितनी अच्छी तरीके से, एक बैंक के लिए रिजर्व बहुत मायने रखते हैं। तो आप रिजर्व देखिए, तो बैलेंस शीट और यूनिकनेस और सबसे इंपॉर्टेंट कि इतना बड़ा एक्सपीरियंस इस बैंक की, इससे ज्यादा डिस्कशन नहीं होना चाहिए, वरना इस बैंक के लिए सही नहीं होगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं ऐसा बैंक आपको रियल में देखते हुए नहीं मिलता। आप देखना क्या है कि जीएमपी कैसे देखेगा आपको रिस्पॉन्स करता है, जिसके बेसिस पे बताएंगे कि इसमें लिस्टिंग गेन कितना देखने को मिलेगा और लॉन्ग टर्म अप्रोच क्या है, वो तो मैं फर्दर एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस पर रेडी रहिएगा। और जो लाना चाहते हैं आईपीओ, उसका कैपिटल रिक्वायरमेंट है, टीयर वन कैपिटल बेस करना है और एक्सपेंसेस को मीट करना है, बेनिफिट लेना है लिस्टिंग ऑफ शेयर्स के स्टॉक एक्सचेंज में। फिर अगर आप देखेंगे तो देखिएगा कब आ रहा है, 5 सितंबर को ओपन होगा और आपको पता है यहाँ पे क्लोजिंग होगी 7 सितंबर को, तब तक जीएमपी भी आ जाएंगे, वहाँ पे भी एक वीडियो आ जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो आईपीओ लिस्ट 15 सितंबर के आसपास होगा। तो बहुत ही शानदार एक अलग तरीके का बैंक आ रहा है, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। लेकिन बिजनेस मॉडल आपने देख लिया कितना शानदार है, अगर अच्छा जीएमपी मिलता है इनको तो आप समझ लीजिए कि लिस्टिंग पे बहुत बड़े गेन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।